गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं किचन से। और अंदमान से आया हुआ हमारा हो गया है ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन या उससे ज़्यादा ही होगा। तो पहले का मेरा काफ़ी सारा ब्लॉग ऑलरेडी यानी अंदमान का ब्लॉग मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ था, तो मैंने सोचा कि ना वही सब कुछ एडिट करके डालती हूँ, उसके बाद फिर फ्रेश ब्लॉग मैं स्टार्ट करूँगी। क्योंकि अंदमान में ना नेटवर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, होटल में प्रॉपर वाईफाई काम नहीं कर रहा है, सो वहाँ पे ब्लॉग एडिट करके अपलोड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हुआ। तो पूरा 7 दिन का एक मेरा गैप हो गया है, तो वो गैप तो अभी मतलब समझ ही सकते हो, उसको अभी फुलफिल करना है। इसलिए मैंने लास्ट 3-4 दिन से थोड़ी सी छुट्टी ली थी कि नहीं पहले पुराना वाला ब्लॉग जो है उसको सारे अपलोड करना है, उसके बाद जाके मैं फ्रेश ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। आज सुबह 6 या 6:30 बजे से देखिए यहाँ पर चल रहा है कुछ टूर्नामेंट, यानी यूनिवर्सिटी का जो प्लेग्राउंड है यहाँ पर, और इतना ज़ोर ज़ोर से माइक बज रहा है और लड़के लड़की सब लोग चिल्ला रहे हैं ना। हमारा आज नींद अच्छे से हुआ ही नहीं, कब तक चलेगा आई डोंट नो। एकदम बड़ा बड़ा स्पीकर लगा दिया है चारों तरफ, बहुत दिक्कत हो रही है। बाय द वे, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ किचन से, और अभी मैं लंच बनाऊंगी। सौरभ सुबह सुबह गया था मार्केट और लेके आया है 2 टाइप का मछली। ये देखिए यहाँ पे है रोहू, जिसको मैंने ऑलरेडी अच्छे से साफ करके नमक हल्दी से मैरिनेट करके रख दी है, और यहाँ पे है और एक टाइप का छोटा सा मछली, ये देखिए इसको बंगाली में बोलते हैं काजली माछ। यहाँ पे इस लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वो तो नहीं पता, लेकिन खाने में बहुत अच्छा होता है, मीठा होता है। इसको अगर आप नॉर्मल फ्राई करके खाओगे तब भी अच्छा लगता है, या तो फिर इसका टॉक भी बनाया जाता है, यानी इमली का पल्प डाल के बैंगन आलू बड़ी सब कुछ डाल के एक हम लोग टॉक बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। बोलते हुए ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये वाला मछली मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो आज सौरभ को ये मार्केट में मिल गया, तो ज़्यादा नहीं 100 ग्राम उसने लेके आ गया है। और मछली कड़ी बनाऊंगी, ऑब्वियसली आलू तो डालना ही है, नहीं तो बंगाली का नाम खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे आलू भी काट लिया है, ये एक्चुअली सौरभ ने काटा है, लंबा लंबा आलू काट लिया है। और साथ में यहाँ पे है प्याज हरी मिर्ची टमाटर, ये सब कुछ भी सौरभ ने ही काट दिया है। शर्मिता और रितेश भैया का कुछ सामान हमारे बैग में था, तो यहाँ पे मैंने जिप्टो के बैग में सब कुछ डाल दिया है, उनका शैम्पू, कुछ कपड़ा वगैरह, रितेश भैया का कपड़ा, टॉवल, शर्मिता का टॉप, सब कुछ था। ये लो देख के आ जाओ उन लोगों को। पानी गर्म करने के लिए देता गीजर, ठीक है जल्दी आना, ठीक है बैठ मत जाना, तुमको उन लोगों के घर भेजना मतलब तो बैठ जाओगे उधर, अभी पार्टी स्टार्ट हो जाएगा तुम लोगों का, भाग के जाओ दौड़ के आओ। तो अभी मैं जल्दी जल्दी लंच बना लेती हूँ। आज ना एक्चुअली सुबह से हमारे घर पे कोई आया हुआ है, लास्ट कुछ ब्लॉग में मैं आप लोगों को बता ही रही थी ना कि हम लोग घर छोड़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम लोगों ने तो ऑलमोस्ट अंदमान जाने से पहले 2 घर हम लोग देख भी लिए थे, और अंदमान से आने के बाद भी हम लोग 2 घर देखे हैं। हाँ, लेकिन वो ब्लॉग में डाला नहीं है क्योंकि उस दिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, तो शायद पता नहीं ओनर ने शायद वो देखा होगा, या तो फिर मोस्ट प्रोबेबली सौरभ ने ही ओनर को कांटेक्ट किया होगा कि लाइट का ऐसा ऐसा इशू हो रहा है, सो मे बी हम लोग घर छोड़ने वाले हैं। तो फिर ओनर ने सजेशन दिया कि घर छोड़ के फ़ायदा नहीं है, आप एक काम कर सकते हो, अगर इन्वर्टर हम लोग लगा देते हैं तो क्या आप रह जाओगे? तो फिर सौरभ ने बोला हाँ, फिर वो तो सही है, अगर आप इन्वर्टर इंस्टॉल करवा देते हो तो हम लोग रह जाएंगे। वैसे भी चेंज करने का हमें इतना ज़्यादा मन नहीं था, क्योंकि ये रूम हम लोग को हमारे बजट के अंदर मिल रहा है, स्पेसियस है जो कि मेरी रिक्वायरमेंट है, सब कुछ ठीक है, पार्किंग एरिया भी काफ़ी अच्छी है। इसलिए सच बोलूँ तो ये वाला घर छोड़ने का मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन और कोई उपाय नहीं था ना, इसलिए हम लोग सोचते थे कि छोड़ देंगे। तो फाइनली आज आए हैं UPS लगाने के लिए, यानी इन्वर्टर उन्होंने भेज दिया है। हाँ, ऑब्वियसली हम लोगों को 50% कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है UPS के लिए, उन्हें दे रहा है 50%, हम लोग दे रहे हैं 50%, और अभी UPS इंस्टॉल हो रहा है, तो सुबह से ऑलरेडी लोग आ गए हैं इंस्टॉलेशन के लिए, तो वो लोग तो अपना काम कर रहे हैं, थोड़ा उधर देखभाल सब कुछ कर रहे हैं, मेरा तो वहाँ पर कुछ काम नहीं है, तो मैं खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पर सारे मटेरियल्स आ गए हैं, कौन सा क्या है? ये है बैटरी। कौन सा ये? अच्छा ये है तुम्हारा स्टैंड। ओ, और वो वाला है UPS। ये वाला UPS छोटा वाला, ये लुमिनस का। हाँ। ओके, तो बैटरी जाएगा इसके अंदर ना? हाँ, हाँ मेरे मायके में भी तो ऐसा ही है ना। ओ, तो इसके नीचे व्हील भी लगा हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन शिफ्ट तो नहीं कर सकते है ना, व्हील लगा हुआ है फिर भी। हाँ, तो UPS का पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे अभी ये लोग काम कर रहे हैं। बंगाली में कहावत है छिलो बेराल होए गलो रुमाल, मतलब ये आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं, मैं बता दूँ। इतना सारा मछली सौरभ लेके आया था, अभी देखिए मछली का क्वांटिटी कम हो गया है। कैसे?
कैसे है वो बोलना पड़ेगा ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही क्वांटिटी कम हो गया है। रोहू मछली 2 पीस गायब, और ये जो छोटा छोटा मछली है ना जो कि टॉक खाने के लिए भाई साहब लेके आया है, ये भी काफी सारा गायब। इसका मतलब समझ सकते हो? चलो कोई बात नहीं, भाई साहब ने इतना काम मेरा कर दिया है। आलू का शेप, प्याज का शेप, हरी मिर्ची का शेप, टमाटर का शेप, सब कुछ देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया है कि चॉपिंग किसने किया है। उसी का गुरुदुखी ना भाई साहब ले रहे हैं, एक के बाद एक मछली खाते जा रहे हैं। एनीवेज दोनों टाइप का मछली मैंने फ्राई कर लिया है, और अभी रुई मछ का कालिया जो है वो बना लूंगी। एक्चुअली ना दाल कल का थोड़ा सा है, मुझे याद नहीं था, अभी जस्ट मैं फ्रिज चेक करके देखती हूँ। कल मैं कोलाई दाल बनाएगी, कोलाई यानी ग्रीन मूंग जो होता है ना उसका दाल मैं कल बनाई थी, जो कि थोड़ा सा बच गया था। तो मैंने सोचा कि दाल आज और नहीं बनाऊंगी, और मछली का पतला सा कढ़ी भी नहीं बनाऊंगी, नॉर्मल रुई मछ में कालिया बनाऊंगी। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ मेरे चैनल पे, इसलिए और शेयर नहीं कर रही हूँ। तो सिंपल सा रुई मछ है कालिया, और साथ में बनाऊंगी छोटो मछ है टॉप। तो देखिए यहाँ पे 2 बैंगन भी आ गया है। एक्चुअली ना मेरा कुछ भी ग्रॉसरी वगैरह सब्जी कुछ भी अभी तक मेरा ऑर्डर नहीं हुआ है, तो ऑर्डर मैंने कर दिया है, मोस्ट ऑफली आज या कल तो आ ही जाएगा। तो सौरभ गया था ना रिटर्न भैया के घर, उन लोगों का सामान रिटर्न करने के लिए, तो मैंने बोला कि उन लोगों से 1 बैंगन उठाई लेके आ जाओ। तो यहाँ पे शर्मिता ने 2 बैंगन भेज दी है, और इसमें थोड़ा सा आलू डाल दूंगी, और मेरे गाँव का वही तो है ही आलू पूरी बेगुंदिया माछे टॉप, हाँ हाँ। और चावल भी मैंने इस साइड में चढ़ा दिया है ऑलरेडी पतीला में, जब तक चावल बनेगा मेरा सब कुछ खाना भी बन जाएगा। आज पौधे में बहुत ज़्यादा फूल आया नहीं है, थोड़ा ही आए हैं। ये देखिए यहाँ पे एक बेली फूल है जो कि बहुत अच्छी खुशबू स्प्रेड हो रही है इससे, और पाती टॉगोर जो है वाइट कलर का ये भी यहाँ पे एक ही आई है, और साथ में एक रेड कलर का पाती जौबा भी आई है ये देखिए। और भी कुछ कली है, यहाँ पे कली है, यहाँ पे कली है, ये सारे तो कल खिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली। और एक मिराकल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए मिराकल है ये वाला पौधा जो है ना, इसमें हमेशा थोका जौबा आती है ना, आप लोगों ने देखा है रेड कलर का बड़ा सा थोका हिबिस्कस आती है, लेकिन आज नींद से उठ के देख रही हूँ इसमें ऐसे पाती जौबा आई है, पता नहीं क्यों कैसे। ये देखिए पौधा तो सेम ही है लेकिन हमेशा थोका जौबा आती है, और आज ऐसे क्यों पाती जौबा आ गई है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सी इसका पंखुड़ी जो है ना ये तो बहुत ही मोटा मोटा है जैसे कि थोका जौबा का होती है, लेकिन थोका नहीं है। ये मुझे सोच के बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा कि एक ही पौधे में ऐसे कैसे हो सकता है। तो अभी इसको उठा लेते हैं पूजा करने के लिए, ये लो। नीचे क्रिकेट टीम का अभी लंच चल रहा है, उन लोगों का बुफे लंच चल रहा है, काफ़ी सारे आइटम हैं उन लोगों के मेन्यू में, मतलब इतना साफ तो मैं देख नहीं पा रही हूँ, जितना देख के लग रहा है काफ़ी टेस्टी टेस्टी खाना है। वैसे हमारे घर पे भी आज टेस्टी खाना ही बन रहा है। बाय द वे ये देखिए आंदोलन से आने के बाद दोबारा मेरा बिस्तर का हालत ये है आधा कपड़ा सौरभ का और मेरा आधा कपड़ा है, और आधा कपड़ा अभी भी लॉन्ड्री बैग में डला हुआ है, उन सारे कपड़े को अभी तक धोना नहीं हुआ है, क्योंकि लास्ट 3 दिन से इवन जब से हम लोग लौट के आए हैं बैंगलोर आंदामान से, तब से देख रहे हैं इतना ज़्यादा बारिश हो रही है ना बैंगलोर में, बहुत हैवी रेनफॉल हो रही है, जिस वजह से कपड़ा वपड़ा सूखना बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। जिस दिन आके मैंने फर्स्ट दिन एक लॉन्ड्री बैग कपड़ा मैंने डाली थी वॉशिंग मशीन में, वो धोना तो हो गया था, ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी का भी फ्लक्चुएशन था, कपड़ा सुबह के टाइम पे मैं धोने के लिए डाली, शाम तक जाके मेरा कपड़ा धुला है क्योंकि बार बार लाइट जा रही है। उसके बाद चलो कपड़ा तो धोना हो गया, उसको मैंने सूखने के लिए दे दिया, पक्का 2 दिन लगा है कपड़ा सूखने के लिए, एक तो क्लाउडी वेदर ऊपर से बारिश आ रही है, दोबारा सारे कपड़े को उठा के अंदर रखो, फिर जब धूप आ रही है यानी बारिश गायब हो रही है उस टाइम पे दोबारा सारे कपड़े को बाहर डालो, बहुत दिक्कत हुई थी। उसके बाद सेकेंड लॉट का कपड़ा जो है वो भी धोना हो गया है, वो फाइनली आज सुबह के टाइम पर सूखा है, तो सारी चीज़ों को यहाँ पर मैंने लेके आके बिस्तर के ऊपर डंप करके रख दी है, फोल्ड करना नहीं हुआ है। मैं सोच रही हूँ सारा कपड़ा जैसे ही धुल जाएगा एक साथ सारा कपड़ा मैं फोल्ड करूँगी, तो इसलिए अभी यहाँ पे ना मैं कपड़ों का पहाड़ बनाते जा रही हूँ। 2 ग्लास पानी और थोड़ी सी बिस्किट उन लोगों को दे देती हूँ गर्मी के मौसम में, दोपहर के टाइम पे वो लोग आए हैं इतना तो बनता ही है। देखिए आंदामान से आने के बाद कुछ चेंजेस आप लोग नोटिस कर रहे हैं, मैं तो बहुत कर रही हूँ। ये देखिए मेरा फेस का हालत, इतना टैन हो गई हूँ, इतना टैन क्योंकि वहाँ का ना वेदर ही कुछ ऐसा है, ऊपर से गर्मी तो था ही, तो एकदम से मैं टैन हो गई हूँ। अभी ना जस्ट इतना पैसा खर्चा करके घूम के आने के बाद मैं सौरभ को दोबारा बोल भी नहीं पा रही हूँ कि पार्लर जाके डीटन करवा के आती हूँ, फेशियल करवा के आती हूँ, क्योंकि सिर्फ फेस का अगर होता तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन हाथ पैर पीठ नेक हर एक जगह पे टैन हो गया है, तो अगर मैं मुझे करना पड़ेगा कुछ तो मुझे फुल बॉडी करना पड़ेगा इंक्लूडिंग फेस, इसलिए मैं अभी रिस्क नहीं ले रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन ना मैं होम रेमेडी ट्राई करके देखती हूँ, अगर उससे कुछ कम हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ जाना तो पड़ेगा ही।
यूपीएस का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, वहाँ पे थोड़ा सा और टाइम लगेगा क्योंकि लाइट बंद करके करना पड़ रहा है ना, तो थोड़ा सा उन लोगों को टाइम लग रहा है। एनीवेज मेरा रुई मच्छर कालिया ऑलमोस्ट बनके तैयार है, चावल भी बन गया है, सौरभ अभी यहाँ पे पानी स्टैंड कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली छोटो मच्छर टॉक आज नहीं बन रहा है क्योंकि सौरभ ने छोटे वाला मछली खाते खाते एकदम खत्म ही कर दिया है। हो गया खत्म, तो क्या करे? नहीं, झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने भी एक दो पीस खाई है वहां से, एक दो पीस नहीं, इवन चार पांच मैंने खा लिया है और बाकी का भाई साहब खा लिया है, तो अभी ना गिना चुना 10 से 15 छोटा छोटा मछली बचा हुआ है, तो उसका भी और मैं क्या ही टॉक बनाऊं। कोई जरूरत नहीं है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। यही है तुम्हारा पनिशमेंट, जैसे पहले खा लोगे बाद में मिलेगा नहीं। अभी सोचो इतना सा मछली के लिए, 10-15 छोटा छोटा पीस मछली के लिए, अभी बैंगन काटो, आलू काटो, बड़ी को फ्राई करो, फिर टॉक बनाओ, इमली भिगाओ। अच्छा हुआ कि मैंने इमली भिगो ही नहीं था पहले। एनीवेज चलिए, ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो गया है, अभी बस उन लोगों का पता नहीं और कितना टाइम लगेगा, शायद और 1 घंटा लगेगा, उसके बाद हम लोग लंच करेंगे। सब कुछ ऑलमोस्ट सेट ही हो गया है, बस इसको यहाँ पे शिफ्ट करना बाकी है और इसका मेन कनेक्शन जो है इसको जोड़ना बाकी है, लेकिन पता नहीं ये काम करते करते उन लोगों को शायद कुछ प्रॉब्लम लगा होगा, मतलब लाइन ठीक ठाक से नहीं आ रही थी, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा था और साथ में यहाँ पे भी कुछ दिक्कत हो रहा था, तो वो दोनों मिलके ये सेटअप नहीं कर पाए हैं। अभी और एक दूसरा लेबर आएगा, उनको उन्होंने कॉल करके बुलाया है, तो ये दो जो लोग आए थे, दो भैया, ये चले गए हैं, अभी एक तीसरा कोई बंदा आएगा तो वो आके बाकी का सेटअप करेगा, तो हमारे पास आधा घंटा है, तो मैंने सोचा कि इसको ऐसे ही देते हैं, हम लोग लंच कर लेते हैं। तो लंच भी यहाँ पे मैंने सर्व कर लिया है, माचेर कालिया चावल, ये है कल का दाल, और ये देखिए मछली, बस इतना थोड़ा सा ही बाकी था, अभी इसका क्या ही मैं टॉक बनाऊँ, इसलिए इसको ऐसे ही फ्राई ही दे दिया है। चलो स्टार्ट करो, मैं आती हूँ। अभी टाइम हो रही है शाम के 7:15 और मेरे आंखों से तो पता चल ही रहा है मैं खतरनाक एक नींद से उठी हूँ अभी अभी जस्ट, क्योंकि आंदामान से घूम के आने के बाद ना मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ना दोपहर के टाइम पे मुझे नींद आ जाती है, शायद वहाँ पे इतना ज़्यादा जर्नी हुई है, ट्रैवलिंग हुई है, दोपहर के टाइम पे रेस्ट नहीं मिलती थी, इतना ज़्यादा चलना, दौड़ना, भागना, बारिश में भीगना, धूप में घूमना, थोड़ा सा इरेगुलरिटी तो है ही खाने पीने के ऊपर, तो शायद मेरा बॉडी अभी तक थकी हुई है, इस वजह से दोपहर को जैसे ही ना थोड़ा खाना पीना करके मैं सो जाती हूँ, उसके बाद मैं एकदम से नींद में चली जाती हूँ। वैसे मैं दोपहर के टाइम पे कभी भी सोती नहीं हूँ, ये आप सब लोग जानते हैं, लेकिन लास्ट कुछ दिन से मुझे दोपहर के टाइम पे थोड़ी सी एक नींद, मुझे एक नैप लेना पड़ रहा है, शायद मेरा बॉडी थका हुआ है इस वजह से। एनीवेज अभी जस्ट सनसेट होने ही वाली है, आपको मैं आसमान दिखाती हूँ कितना सुंदर लगता है इस टाइम पे, ये देखिए लगभग 7 बजे के आसपास ना और भी ज़्यादा सुंदर लगता है, और आज तो क्लाउडी है इस वजह से इतना ज़्यादा आसमान दिखने में सुंदर लग नहीं रहा है, अदरवाइज़ इस टाइम पे ना आसमान एकदम पर्पल कलर का हो जाता है, बहुत सुंदर लगता है दिखने में। सो ये रहा इवनिंग स्नैक्स, गर्मा गर्म समोसा साथ में चटनी, और ये है जम्बो गुलाब जामुन। क्या वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, काम कर रहा हूँ तो समोसा तो चाहिए। हाँ, वर्क फ्रॉम होम का यही एक सुविधा है ना, कुछ भी खाना मांगो गर्मा गर्म हाथ के सामने मिल जाता है, खाओ काम करो। पापा जब इस बार घर से आए थे उस टाइम पे मम्मी ने मेरे लिए चावल का आटा भेजी थी, जिसको बंगाली में बोलते हैं चालेर गुड़ो, स्पेशली वो हम लोग यूज करते हैं पीठे पुली खाने के लिए। अभी देखिए आसमान थोड़ा सा सुंदर लग रहा है ना दिखने में, लेकिन इतना भी सुंदर नहीं लग रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ पहाड़, बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर है इसलिए, नहीं तो फिर और ज़्यादा सुंदर लगता है, आसमान एकदम पर्पल पर्पल काइंड ऑफ लगता है। एनीवेज तो चावल का आटा मेरे पास ना काफ़ी सारा बच गया है, पापा ने ऑलमोस्ट 1 किलो के आसपास लेके आए थे, और पीठे पुली हम लोग थोड़ी ना डेली डेली खाएंगे, तो थोड़ा मैंने पीठे पुली के लिए यूज़ की थी चावल का आटा और बाकी का बच गया है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज चावल के आटा का रोटी बनाते हैं और साथ में बनाऊंगी सोया चिली। तो आज रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, काफ़ी दिन से कोई रेसिपी शेयर नहीं किया, सो आज मैंने सोचा कि जब कुछ स्पेशल बना ही रही हूँ तो क्यों ना आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ सोया चंक्स ले लिया है, बड़ा वाला जो सोयाबीन आता है ना वो वाला, और इसको मैंने 3 से 4 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो के रखी थी, तो ये फूल के एकदम तैयार हो गया है, और इसका पानी फिर मैंने स्क्वीज करके निकल दिया है। तो अभी सोयाबीन में मैं डाल दूंगी नमक, साथ में डाल दूंगी थोड़ी सी मसाला, हल्दी डालूंगी थोड़ी सी, वैसे ये ऑप्शनल है क्योंकि चाइनीज डिश में हल्दी जाता नहीं है, और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डाल दूंगी, ये भी ऑप्शनल है। साथ में डाल दूंगी थोड़ी सी अदरक पेस्ट, थोड़ी सी लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी कॉर्नफ्लावर, थोड़ी सी डाल दूंगी डार्क सोया सॉस लगभग 1.5 चम्मच, टोमेटो केचप डाल दूंगी 1 चम्मच भर के, और डाल दूंगी 1 अंडा बाइंडिंग के लिए, वैसे अगर आप वेज में बनाना चाहते हो तो अंडा नहीं डालोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंडा अगर डालते हैं ना तो कॉर्नफ्लावर के साथ बहुत ही अच्छा बाइंडिंग होती है।
अब इसको बहुत अच्छे से मैरिनेट कर लेना है और इसको रख देना है मिनिमम 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि इसका जो फ्लेवर है ना वो सोयाबीन के अंदर अच्छे से जा पाए, क्योंकि सोयाबीन तो वैसे भी इतना टेस्ट नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टलेस होता है। तो इसको मैरिनेट करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ कटिंग चॉपिंग भी कर ली है ग्रेवी के लिए। यहाँ पे है कैप्सिकम, कैप्सिकम को मैंने ऐसे मोटा मोटा रखी है। और यहाँ पे मैंने कुछ प्याज भी ऐसे स्केल्ड काट लिया है, आप देख सकते हो, जैसे कि नॉर्मल चिली चिकन या तो फिर मंचूरियन में जाता है वैसा ही। और टमाटर को मैंने ऐसे लंबा लंबा काट लिया है, पतला पतला लंबा लंबा। और कुछ हरी मिर्ची को यहाँ पे मैंने स्लिट कर लिया है। और यहाँ पे है 4-5 कली लहसुन का, इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। इससे पहले काफ़ी बार मैंने चावल का आटा का रोटी तो मैंने खाई है, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स मुस्लिम जो लोग हैं बैचलर लाइफ में, वो लोग मुझे काफ़ी बार अपने घर से चावल का आटा का रोटी बना के खिलाते थे, उनके मम्मी भेजते थे मेरे लिए, क्योंकि मुझे खाने में बहुत अच्छा लगता था चावल का आटा का रोटी। और साथ में उन लोगों का सेवैया वगैरह, स्पेशली ईद के टाइम पर ये सब कुछ हम लोग खाते थे दोस्त लोग शेयर करके। लेकिन मैंने कभी अपने हाथों से बनाया नहीं है, तो सोचा कि क्यों ना आज मैं ये बनाऊँगी, और पता नहीं एक्सपीरियंस कैसा क्या रहेगा। खाने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन बनाने में कितना इजी है वो तो बनाने के बाद ही पता चलेगा। तो ये है चावल का आटा, ये देखिए, ये ना नॉर्मल आटा से थोड़ा ज़्यादा ही वाइट है ना। तो इसमें मैंने थोड़ी सी नमक डाल दी है और कुछ भी नहीं। और अभी गुनगुना गर्म पानी से इसको अच्छे से आटा लगा लेना है, एक सॉफ्ट डो बना लेना है, जैसे कि हम लोग रोटी के लिए बनाते हैं बिल्कुल वैसा। और इन्वर्टर इंस्टॉलेशन का काम भी हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो हमारा मेन एंट्रेंस है ना, इसके बिल्कुल सामने ही इसी जगह पे उन्होंने इंस्टॉल किया है, क्योंकि यहीं पे प्लग पॉइंट बना हुआ था। और शू रैक पहले यहाँ पे हुआ करता था, तो शू रैक को शिफ्ट कर दिया है यहाँ पे। अगर मैं ये वाला दरवाज़ा ओपन भी करती हूँ ना, तो शू रैक इसके पीछे ऐसे छुप जाएगा, जो कि ठीक ही है। मतलब घर पे एंटर करते ही किसी को पहले ही शू रैक का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। तो शू रैक भी मैंने थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज किया है, अभी टोटल हुआ नहीं है, बाद में कर लूँगी मैं धीरे धीरे। और यहाँ का जो हालत हुआ था ना, एकदम पूरा गंदा होके पड़ा हुआ था, तो वो सब कुछ भी मैंने अभी जस्ट क्लीन किया है। चावल का आटा का मैंने एक सॉफ्ट डो बना लिया है, और इसको अभी लगभग 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं, तब तक सोया चिली बना लेते हैं। देखिए कढ़ाई में मैंने डाल दिया है रिफाइंड ऑयल, ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए ना, यहाँ पे हमें डाल देना है मैरिनेट किया हुआ सोयाबीन। कोशिश करना इसको एक एक अलग अलग करके डालने के लिए, नहीं तो ना ये फिर एक दूसरे के साथ चिपक जाता है। सोयाबीन को डालने के बाद चम्मच की मदद से इसको थोड़ा अलग कर देना है। देखिए 3 से 4 मिनट के लिए सोयाबीन को अच्छे से फ्राई करने के बाद ही ये एकदम से फ्राई होकर तैयार हो गया है। और देखिए अंडा से मैरिनेट करने के वजह से एक एक सोया चंक्स कितना बड़ा बड़ा मोटा मोटा होके फूल गया है, बिल्कुल पकोड़ा जैसा। अभी इसका ऑयल अच्छे से छान के इसको निकाल लेना है एक अलग कटोरी में। तो मैं अभी आप लोगों को ऑनेस्ट फीडबैक देती हूँ, ये वाला रोटी बनाना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है। चलो आटा तो बहुत जल्दी लग जाता है, मतलब गेहूं के आटा आप जब तक उसको आटा लगाओगे उससे पहले ही चावल का आटा बनके तैयार हो जाता है, लेकिन उसको बेलने में माय गुडनेस बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। मैंने सोचा कि क्यों ना बेलते हुए भी आप लोगों से मैं शेयर करूँगी, लेकिन ट्रस्ट मी एक एक लोई मुझे 5-6 बार करके बेलना पड़ रहा है। उसको बेल रही हूँ, थोड़ा सा भी अगर प्रेस हो जा रहा है ना थोड़ा सा, तो पूरा रोटी फट जा रहा है। मतलब उसको मैं पलट ही नहीं पा रही हूँ, तवा पे डालना तो दूर की बात है। तो एक रोटी को ऐसे बेलते हुए वो फट जा रहा है, फिर उसको मैं दोबारा लोई बना रही हूँ, फिर उसको दोबारा मैं बेल रही हूँ, फिर उठाते टाइम दोबारा वो फट जा रहा है। तो ये थोड़ा सा ना ट्रिकी है। मैं सोच रही थी कि चावल के आटा के साथ अगर थोड़ा सा गेहूं का आटा भी अगर मिक्स करके बनाओ तो शायद ये फटने वाला चीज़ नहीं होगा, लेकिन हाउस में तो फिर टेस्ट चेंज हो जाएगा फॉर श्योर। चावल का आटा का टेस्ट और गेहूं का आटा का टेस्ट, दोनों का टेस्ट अगर एक साथ हो जाएगा तो फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने मिला ही नहीं। लेकिन अगर आप लोग ट्राई करके देख सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा ट्रिकी लगता है तो फिर एक बार गेहूं के आटे के साथ भी मिक्स करके आप आटा लगा के देख सकते हो, शायद अच्छा बनेगा। मैं अगर एक्सपेरिमेंट करती हूँ तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। एनीवेज देखिए सारे सोयाबीन को मैंने यहाँ पे फ्राई करने के बाद कढ़ाई में थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयल था जिसको मैंने निकाल दिया है। अब थोड़ा सा ही ऑयल मैंने कढ़ाई में रखी है, इसमें डाल दूंगी चॉप किया हुआ लहसुन, साथ में हरी मिर्ची, थोड़ी सी अदरक पेस्ट, लहसुन पेस्ट भी थोड़ी सी डाल दूंगी। इसको 5 से 7 सेकंड के लिए फ्राई करने के बाद अभी डाल दूंगी स्लाइस किया हुआ टमाटर, साथ में कैप्सिकम, प्याज, सब कुछ। और इन सारी चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा कच्चापन रहेगा तभी ये ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ी सी ड्राई स्पाइसेस डाल दूंगी जो कि ऑप्शनल है, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर,
साथ में नमक बहुत ही कम, क्योंकि सोयाबीन में भी ऑलरेडी नमक है और वैसे भी सोया सॉस में तो नमक होता ही है, वो आप सबको ही पता है। ये देखिए यहाँ पे हो रही है चोड़ी, काफी क्रंची हुआ है यार। हाँ वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन सोयाबीन फ्राई करते करते अभी तुम उठा के खाना स्टार्ट कर दिए हो, अच्छा लग रहा है। अच्छे टॉक का इंसिडेंट बस ये भी खा लेंगे क्या? एक एक छोटा छोटा मछली फ्राई करते करते तुम खाना स्टार्ट कर दिए थे और लास्ट में जाके माचे टॉक बना ही नहीं। ये मुझे चिकन बॉल जैसा लग रहा है। हाँ एक्चुअली दिखने में ऐसा है और टेस्टी भी हुई है ना, मजा आ गया। हाँ लेकिन संभाल के ठीक है, माचे टॉक वाला एक्सपीरियंस भूल मत जाना। फिर देखा जाएगा कि ग्रेवी बना ही नहीं और सारे सोयाबीन खत्म। बस और नहीं, पाँच छह खा लिए हो तुम, हो जाएगा। हाँ लास्ट वन ये 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद ही देखिए कैप्सिकम प्याज टमाटर सब कुछ अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इस टाइम पे डाल देना है फ्राई किया हुआ सोयाबीन और सोयाबीन को अच्छे से सारे मसाले के साथ मिक्स कर लेना है। फिर इसमें डाल देना है टोमेटो केचप। अगर आप थोड़ा मीठा मीठा खाना चाहते हो तो थोड़ा ज़्यादा डालना, अदरवाइज मैं तो जैसे थोड़ा कम ही डालती हूँ क्योंकि हमें मीठा से ज़्यादा थोड़ा तीखापन पसंद होता है। और साथ में थोड़ी सी डार्क सोया सॉस, इसको मिला लेते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए और इसको फ्राई करते हैं जब तक मसाले का रॉ स्मेल जो है वो चला ना जाए। देखिए कलर चेंज हो गया है, कितना अच्छा कलर आया है ना। यहाँ पे देखिए कटोरी में ना मैंने 1/2 चम्मच कॉर्नफ्लावर अच्छे से मिला के रखी थी, इसको अभी डाल देना है। पानी बहुत ज़्यादा इसमें डालना नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला ग्रेवी नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पे इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है और अभी जितना ग्रेवी है ना इसी हालत में मैं गैस बंद कर दूंगी और इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। 5 मिनट बाद ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा और ड्राई हो जाएगा। आंदामान का शॉपिंग आप लोगों से अभी भी मैंने शेयर नहीं किया है, आज सोच रही थी कि करूंगी लेकिन आज और टाइम नहीं मिलेगा मुझे क्योंकि अभी भी कुछ कुछ मेरा पर्सनल काम है तो वो सब कुछ ख़त्म करना है। तो फॉर श्योर कल के व्लॉग में मैं आंदामान का सारे शॉपिंग आप लोगों से शेयर करूंगी। ठीक है तो चलिए अभी डिनर कर लेते हैं क्योंकि टाइम भी हो गई है, अभी 10:30 हो रहा है। रिव्यू देगा सौरभ, खा के देखता हूँ। जल्दी खाओ। काफी अच्छा। हाँ सच में। मतलब पास। अच्छा एक्सेलेंट। थैंक यू। चलो मैं भी खाना स्टार्ट करती हूँ। सो चलिए व्लॉग को आज यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलेंगे सुबह सुबह और एक नए व्लॉग के साथ। सौरभ तो अभी भी काम कर रहा है ऑफिस का और मेरा बस आज के लिए छुट्टी, अभी मैं एडिटिंग का काम मेरा थोड़ा सा बाकी है वो ख़त्म करके फिर सो जाऊंगी। सो चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।